खबर में। पहले तो ये जानते हैं कि हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक क्या होता है। हीट एग्जॉशन होने पर बॉडी से पानी और नमक दोनों पसीने के रूप में निकल जाता है, जिसमें बेहद ज्यादा पसीना बॉडी से बहने लगता है। तो वही हीट स्ट्रोक को आम भाषा में लू लगना बोलते हैं। ये तब होता है जब बॉडी अपने टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाती। हीट स्ट्रोक हाइपरथर्मिया या गर्मी से रिलेटेड बीमारी है। हीट एग्जॉशन का समय रहते सही से इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। इसलिए हीट एग्जॉशन लगने पर मरीज को तुरंत फर्स्ट एड देना चाहिए। जैसे हीट एग्जॉशन के मरीज को शेड और हवादार जगह पर रखें, शरीर को ठंडे पानी से अच्छी तरह से पोंछें, सिर पर आइस पैक या ठंडा गीला कपड़ा रखें। ऐसा करने से काफी हद तक राहत मिलती है। इसके होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे ज्यादा गर्म जगह पर देर तक रहना, ठंडी जगह से अचानक गर्म जगह पर जाना, गर्मी में खूब ज्यादा एक्सरसाइज करना, बहुत पसीना आने के बाद पर्याप्त पानी नहीं पीना, गर्मियों में हीट एग्जॉशन के अलावा डिहाइड्रेशन, चिकन पॉक्स, फूड पॉइजनिंग, पीलिया, आंखों में एलर्जी, टाइफाइड और वायरल इन्फेक्शन भी तेजी से फैलता है। लेकिन सवाल ये है कि इन प्रॉब्लम से बचा कैसे जाए। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप ढेर सारा पानी पिए और खुद को हाइड्रेटेड रखें। साथ ही सांस और बीपी के मरीज समय पर दवाएं लें। बदलते मौसम में ज्यादा ठंडा पानी ना पिए। खान पान का ध्यान रखें। कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करें और हमेशा सिर को कपड़े से ढककर ही बाहर निकले। तेज गर्मी से ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट, किडनी पेशेंट, बुजुर्ग और छोटे बच्चे सबसे जल्दी प्रभावित होते हैं। ऐसे में लोगों को खुद को हाइड्रेटेड रखना चाहिए और धूप में जाने से बचना चाहिए। इसके अलावा गर्मियों में अगर आप कोई ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां खुले में 4 से 5 घंटे बिताने हैं, तो ऐसे में कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। जैसे बीच बीच में ब्रेक लेते हुए छांव वाली जगह पर रुककर आराम करें। टाइम टू टाइम ORS, दही, छाछ, नारियल पानी पीते रहें। खाली पेट बिल्कुल ना रहे। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े ही पहने। सिर को छाते, हैट, तौलिए, दुपट्टे से ढककर रखें। गर्मी में शरीर का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने से हार्ट को अपना काम करने में दिक्कत आने लगती है। ऐसे में हार्ट पेशेंट्स को गर्मियों में खुद का ख्याल रखने की ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए बढ़ती गर्मी में बाहर जाने से पहले वीडियो में बताई बातों का ध्यान जरूर रखें। ऐसे और